हेलो एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होगे। डोरेमोन ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर किसकी कल्पना शक्ति से डोरेमोन एनिमेशन तैयार हुआ था और किसके दिमाग में ये आइडिया आया था कि डोरेमोन को फ्यूचर का रोबोट बनाना चाहिए। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये है माइटी एक्सप्लेन। बैक स्टोरी ऑफ डोरेमोन। डोरेमोन की शुरुआत मांगा कॉमिक से होती है, जिसे लिखा था फुजिको एफ फुजियो ने। जब वो दोनों इस कॉमिक्स को लिख रहे थे तो उन्हें डोरेमोन के नाम का आइडिया एक आवारा बिल्ले को देखकर आता है, क्योंकि जापान में आवारा बिल्ले को डोरा प्लस ईमोन बोलते हैं और इन्हीं दोनों शब्द को मिलाकर डोरेमोन का नाम तैयार हुआ था। ये सब तो ठीक है माइटी, ये तो बता कि ये टीवी पर कब आया। रुको जरा, सबर करो। डोरेमोन को टीवी पर पहली बार 1971 में लॉन्च किया गया था, पर उस एपिसोड को बैन कर दिया गया क्योंकि उसमें नोबिता एक बहुत ही ज्यादा बुरा लड़का था और जियान एक गुंडा था जो अपने ही पापा को मारता था, और उस एनिमे में जियान की मॉम भी नहीं थी, जिसे कुछ ही दिनों बाद जापान में बंद कर दिया गया। और फिर 8 साल बाद 2 अप्रैल 1979 को डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड लॉन्च किया गया, जिसमें नोबिता आज की ही तरह एक सीधा साधा लड़का था और जियान आज की ही तरह नॉर्मल था, और इस बार इसे काफी ज्यादा पसंद किया गया और यहीं से शुरुआत हुई हमारे फेवरेट एनिमे डोरेमोन की। इस तरह डोरेमोन दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और फिर डोरेमोन की बहुत ही ज्यादा मूवीज बनी, जिसने दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा अच्छी कमाई भी की। और डोरेमोन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है डोरेमोन स्टैंड बाय मी। इस मूवी ने 183 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जो इंडियन रुपीस में करीब 1100 करोड़ रुपए होते हैं। और अगर बात करें डोरेमोन की सभी मूवीज की कमाई की, तो डोरेमोन की सब मूवीज ने मिलकर जो कमाई की है वो है 1.7 बिलियन डॉलर, जो इंडियन रुपीस में कुछ इतने होते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे डोरेमोन को फ्यूचर का रोबोट बनाया गया। तो फुजिको एफ फुजियो जब इस मांगा कॉमिक्स को लिख रहे थे, तब वो चाहते थे कि कुछ अलग और यूनिक हो, जिसके बाद उन्होंने डोरेमोन को नोबिता का पेट बनाने की जगह फ्यूचर का रोबोट बना दिया और उसे खूब ढेर सारे गैजेट्स भी दे दिए। तो एक थैंक्स तो फुजिको एफ फुजियो को भी बनता है, जिन्होंने हमारा बचपन इतना खास बनाया। अगर तुम्हारा बचपन भी डोरेमोन देखकर बीता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो कि डोरेमोन तुम्हें कैसा लगता है।